हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया। और आज जो मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है डोनट्स की। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप देख लीजिए। असली देसी घी चाहिए, कम से कम हमें 2 चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब। मैं ईस्ट ले रही हूँ 1 पैकेट, जो कि मैंने पहले से नीम गर्म पानी में घोल लिया है, ये रखा हुआ देखें। और 1 अंडा और बेकिंग पाउडर जो मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून, और इलायची कुटी हुई थोड़ी सी, और मेरे पास है ये चीनी का पानी, ये आप लोग देख रहे हैं। इससे मैं ये अपना मैदा घोलूँगी, यानी कि अपना डो बनाऊँगी। ये कम से कम मेरे पास जो है इस तरह के 2 बड़े मग्गे हैं जो मैंने डाले हैं इसमें अपने मैदे में। और मैं जो डोनट्स की जो डो की जो फिलिंग करूँगी तो मैं मार्शमेलोज़ के साथ करूँगी, वो जब मेरा टाइम आएगा मैं आपको बता दूँगी। मैं इनकी चीज़ें शुरू करती हूँ ऐड करना। देखिए मैं अपनी इलायची डाल रही हूँ उसमें, उसके बाद मैं अपना बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, देख लें। ईस्ट जो है जो मैंने घोल लिया है ये डालूंगी गर्म पानी में, जो नीम गर्म पानी में। उसके बाद ये अपना असली देसी घी, अभी तो हमें चीनी सिर्फ हल्की हल्की डालनी है, चीनी का पानी नहीं ऐड किया। तो पहले हम इसको अपने एग बीटर से थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फिर बाद में हम इसमें शुगर का पानी ऐड करते करते आहिस्ता आहिस्ता डो की फॉर्म तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें अपना ये शुगर सिरप जो मैंने बनाया है वो डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोग अपना हाथ जो है वो यूज़ करें इसका डो फॉर्म करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरा डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये जो कपड़ा मेरे पास है और इसमें रख के, कपड़ा ढक के इसको किसी गर्म जगह पे रखूँगी 2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने डो को इसमें शिफ्ट कर लिया और ये मैंने अपना कपड़ा इस पर रख रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया कपड़ा और इसको मैं 2 घंटे के लिए अपने ओवन में रख रही हूँ, यानी कि यहाँ पे हीट भी आ जाएगी और हवा भी नहीं होगी तो ये आराम से रेज हो सकेगा। इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें और इसके बाद ये रेज हो जाएगा, इसके बाद हम डोनट बनाएंगे। फ्रेंड 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं अपना डो चेक करने लगी हूँ। देखिए ये कितना ज़्यादा फूल गया है। अब मैं इस डो को निकाल के अपनी जो मैंने डिवाइडर पे मैदा फैलाया इसके ऊपर जो है मैं इसको थोड़ा सा रोल करूँगी, फिर इसको मैं बेलूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डो निकाल लिया है। अब मैं अपने डिवाइडर पर इसको रख के मैं इसको बेलूँगी चकले के साथ। फ्रेंड्स आप जैसे कि जानते हैं कि ये मैंने बेल ली है और ये जितनी बड़ी हो सकती थी मैंने रखी है। आप शुरू में जानते हैं कि ये जो है जब मैंने डो अपना देखा था तो काफ़ी काफ़ी फ्लफी हो गया था, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप ऑयल में डालेंगे तो वैसे ही जो है ना डो, ये जो डोनट्स हैं वो फ्लॉफी भी होंगे और काफ़ी फूले हुए होंगे। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया, डीप फ्राई होंगे और ये मेरा ऑयल बहुत देर से गर्म हो रहा था और मैंने अब इसको हल्का कर दिया है। अब मैं इसमें ये बना के रखूँगी। मेरे पास ये है राउंड करने के लिए, मैं सबसे पहले एक बड़ा करूँगी। देखिए
इसको सिंपल सा करना है। अभी इसको हल्का सा हटा लीजिए। मेरे पास ये छोटा ढकना है, छोटे ढकने से मैं इनको यहीं से ऐसे कैसे उठा के अपने ऑयल में इसको फ्राई करूँगी। लेकिन अभी मेरा ऑयल ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं आपको दूसरे इसके तरीके से बताती हूँ कि इनको डोनट्स को और किस तरह बना सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ मार्शमेलोज़ थी तो मैं अब ये इनको बंद कर दूँगी इस तरह करके, और ये भी डीप फ्राई होंगे। बंद हो जाएगा। आप लोग चाहें तो उसके ऊपर आइसिंग शुगर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जो है ना कुछ और बनाए हैं डोनट सिंपल। अब ये मैं जैम ले रही हूँ, मिक्स जैम है मेरे पास, एक चम्मच इस पे डालेंगे बीच में हल्का सा, और फिर एक ऊपर से उठा कर इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको दबाएंगे हल्का सा। ये ज़रा पतले बनाने, ज़्यादा मोटे नहीं। फ्रेंड्स मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके अपने डोनट डालूंगी। मैंने एक छोटा सा जो था टुकड़ा डाला है अपने डो का, और तो उससे मुझे आइडिया हो गया है कि ये अब रेडी है। मैं इसमें अपना डोनट डाल रही हूँ। आप कुछ तेज रखना ताकि ये जल्द से जल्द ये देखें फूलने शुरू हो गए। देखिए कितने ये फूल चुके हैं इस वक्त। जितनी आपकी डो जो होगी ना फूलेगी, इसकी निशानी ये है कि ये इतने ही ज़्यादा फ्लफी होंगे और फूले हुए होंगे। चाहे तो आप इनको लाइट ब्राउन रखें या डार्क ब्राउन कर लें। कलर पसंद है और इस तरह फ्लफी हैं ये इस तरह की मुझे चाहिए, तो आप भी इस तरह के ही निकालने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे जो मार्शमेलोज वाले डोनट्स हैं वो मैं डालने लगी हूँ। इनको हल्की आंच में पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, के अंदर इनके मार्शमेलो है वो पिघलेगी।
देखिए कितने फ्लफी हो रहे हैं। अब मैंने आँच तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी ना जो कलर है वो ले लें, फॉर्म कर लें हल्का लाइट ब्राउन, जिससे मुझे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनको चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं जो सादे वाले हैं, या इनको ऐसे भी ले सकते हैं। इनको हल्के हल्के चलाते रहें ताकि ये अपना कलर जो है वो। अब इनकी आँच जो है स्लो कर दें क्योंकि ये एक साइड से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको स्लो आँच पे एक एक को घुमा घुमा के ताकि ये दूसरी साइड जो है आराम से अपना कलर भी ले लें। फ्रेंड्स मेरे जैम वाले जो डोनट्स हैं वो भी रेडी हैं, थोड़ा सा लीक भी कर गया एक। अब जो है मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ ट्रे में। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरे ये सिंपल डोनट्स पसंद आएंगे, मार्शमेलोस के भी और सिंपल भी हैं और जैम वाले भी मैंने बनाए हैं। और अब ये रखे रखे देखें आप देख सकते हैं मैं हाथ लगा रही हूँ ये नरम हो गए हैं। ये देखें अभी ये थोड़े सख्त हैं लेकिन ये भी जब हम रखेंगे थोड़ी देर तक हवा में ठंडे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये भी नरम हो जाएंगे सारे के सारे। आई होप कि आप इसको सबमिट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे। माय नेम इज़ मारिया और मैं डोनट्स की तरफ से आप लोगों को बाय बोलती हूँ। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स। आपके पास जो चीनी का गिनाश यानी कि जो चीनी का शीरा था मैंने उसमें ये कुछ छोटे छोटे वो भी डिबो दिए हैं और हमने इनको भी इनके ऊपर भी डालना है, यानी कि जो ये चीनी का शीरा है इनके ऊपर भी डालना है ताकि ये और स्वीट हो जाए। मैंने इन सबको इसमें डिबोया है, देखें शाइन आ रही है। इसी तरह आप लोगों को भी इसमें करना है।